देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जहां पर अब पार्थिव देह को रखा जा रहा है। अनुभव क्या और आप बताएंगे, जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो रथ है इस पर पार्थिव जो शरीर है मुलायम सिंह यादव का, नेताजी का, अब वो रखा जा रहा है। अखिलेश यादव हमें नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं, प्रतीक यादव नजर आ रहे हैं, परिवार के अन्य जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। और अब देखिए अखिलेश यादव इस तरफ आपको नजर आ रहे हैं और यहीं पर अब ये जो पार्थिव शरीर है नेताजी का वो इस वाहन पर रखा जा रहा है। देखिए अखिलेश यादव आपको सीधे तस्वीरों में दिख रहे होंगे, शिवपाल यादव इस तरफ खड़े हैं, प्रतीक यादव इस तरफ खड़े हैं और तमाम सारे जो लोग, देखिए देखिए किस तरीके से नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो अब इस रथ पर रखा गया है और अब नेताजी का अंतिम सफ़र शुरू होगा जिस सैफई में उन्होंने जन्म लिया, जहां उन्होंने बचपन बिताया, जहां उन्होंने पढ़ाई की, जहां वो शिक्षक बने। अब अंतिम सफ़र पर मुलायम सिंह यादव नेताजी निकल रहे हैं। पूरा सैफई गमगीन है, हर कोई दुखी है, आंखों में आंसू हमें साफ नज़र आ रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता मिल रहा है, जो भी समर्थक मिल रहा है वो यही कह रहा है कि नेताजी भले ही शरीर उन्होंने छोड़ दिया हो लेकिन उनके विचार हमेशा रहेंगे और जब तक राजनीति में हम कहें, अगर जब भारत की राजनीति की आज़ादी के बाद की जो राजनीति है, भारत के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनमें जब लेजेंडरी पॉलिटिशियंस की बात होगी तो मुलायम सिंह यादव का नाम उसमें लिया जाएगा। और आप देखिए ये जो रथ है, जो वाहन तैयार किया गया है वो वहाँ कोठी से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और सीधे मेला ग्राउंड तक किया जाएगा। अखिलेश यादव खुद लगातार निर्देश दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप सब लोग हटे, रास्ता खाली करें। सुरक्षाकर्मी भी कह रहे हैं लगातार कि वो सब लोग समर्थक रास्ता खाली करें और ये जो वाहन है इसे जाने दें। अखिलेश यादव आपको सामने नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं, लगातार निर्देश भी दे रहे हैं, सभी को निर्देश दे रहे हैं कि सब कार्यकर्ता समर्थक अब यहाँ रथ के सामने से हटे और रास्ता दे ताकि रथ जो है वो यहाँ से सीधे मेला ग्राउंड तक ले जाया जाए। और आप देखिए आदित्य यादव भी नजर आ रहे हैं, शिवपाल यादव भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी हैं, प्रतीक यादव भी हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम आगे आगे चल रहा है, रथ पीछे है, हर कोई नेताजी को याद कर रहा है। नेताजी अमर रहे के नारे आप सुन सकते हैं, हमारे दर्शक सुन सकते हैं। सुबह से ही, कल से ही, शाम से ही लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ उमड़ा और हर कोई कहीं ना कहीं यही बात कह रहा है नेताजी बीच में ना हो लेकिन उन्होंने जो विचार दिए, उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने जो राजनीति करना सिखाया वो लंबे समय तक रहेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ आप देखिए, जरा तस्वीर देखिए, ये कोठी की तस्वीर है सैफई की, दोनों तरफ कार्यकर्ता मौजूद हैं, पीछे अब जो हम कहें जो रथ तैयार है जिस रथ पर नेताजी का पार्थिव शरीर है वो रथ आ रहा है, कार्यकर्ता भी आगे आगे चल रहे हैं। जो आपको नज़र भीड़ यहाँ आ रही है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ जो मेला ग्राउंड है वहाँ पर है, वहाँ पर भी लगातार व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। और ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र यादव भी हमें अब नज़र आ रहे हैं, प्रतीक यादव भी नज़र आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी नज़र आ रहे हैं, आदित्य यादव भी नज़र आ रहे हैं, शिवपाल यादव भी नज़र आ रहे हैं, परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं। अखिलेश यादव देखिए दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से कार्यकर्ता जगह दें, यहाँ पर जगह हो, रथ निकल सके आसानी से, कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या ना हो, इसलिए लगातार बार बार वो सुरक्षा करें कि यहाँ से निकलने दे रथ। यहाँ कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो कोशिश में है कि किस तरह से रथ के करीब पहुंचे ताकि जो अंतिम यात्रा पर अब नेताजी निकल चुके हैं वो भी उस अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। और यहाँ आप देखिए जो हम तस्वीर कैमरे के जरिए बिल्कुल नहीं
जी जी अनुभव, ये तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आप अब सीधा मेला ग्राउंड की तरफ पहुंचे, वाहन को निकलने के लिए जगह दें, लेकिन वहां लोगों का सैलाब ऐसा उमड़ा हुआ है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीड़ अब इस वाहन के साथ चलने वाली है। और इसी जय घोष के साथ ही अंतिम यात्रा मुलायम सिंह यादव की आज रहेगी। बेहद भावुक पल है कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन अपने नेताजी की जो यादें हैं और जो उनके जयकारे हैं वो साफ तौर पर सुने जा सकते हैं। जी अनुभव, और जानकारी थी वहां से? देखिए बिल्कुल, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं और लगातार नेताजी अमर रहे। नेताजी का नाम आनंद भदौरिया भी है। आनंद जी, नेताजी अब अंतिम सफर पर निकल चुके हैं। हम लोगों ने भले अपना जैविक पिता ना हो नेताजी, लेकिन हम लोगों के पिता थे। आज हम लोगों ने अपने पिता खो दिया है। राजनीति में यह रिक्तता कभी नहीं, लेकिन नेताजी फिर लौट के नहीं आने। बहुत कुछ सिखाया आपको, युवा थे जब समाजवादी पार्टी से जुड़े, बहुत कुछ सिखाया। जब पांचवें में पढ़ते थे तो पहली बार देखा था, हाई स्कूल में तो पहली बार पैर छुए थे। BSC सेकेंड ईयर में लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव बना दिया, 4 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लोकसभा लड़ा दिया, सदन भेज दिया। कभी हम लोग भदौरिया गमगीन हैं, आंखों में आंसू भी हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम है और जो रथ है वो अभी इस तरफ पहुंचा है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी आगे आगे चल रहे हैं। परिवार के लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, वो रथ पर सवार हैं। और ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।